ओके चलिए। तो यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना लिखेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, एग्री, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हाफ के एल स्क्वायर, राइट। और ये फार्मूला वैलिड रहता है जब हम लोग एल कहाँ से मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से। ये है इलोंगेशन या कंप्रेशन, मेजर विथ रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। तो यहाँ पे अगर हैं तो मीन पोजीशन से, तो मेरा यहाँ पे एक्स इक्वल जीरो यहाँ पे आए, तो क्या इसके बाद ये लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। और एक्स इक्वल टू हम लोग का फार्मूला क्या आया था जो हम लोग केस लिए थे उसमें, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, बट अल्फा तो जीरो था ना इस केस के लिए। जब यहाँ से स्टार्ट सफ़र किए, कहाँ से स्टार्ट किए थे, एक्स इक्वल टू जीरो से टुवर्स राइट, तो मैंने ये अल्फा इक्वल टू क्या प्रूफ कर दिया था, जीरो। ए साइन ओमेगा टी अगर जीरो नहीं भी रहता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम लोग ले लिया यहाँ पर क्या, जीरो। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या ए भी लिख सकते हैं, हाफ के, और एक्स के बदले देखिए तो सही है। अब यही क्वेश्चन 2017 के मेन में भी आया है और 2003 में भी आया है। कब कब आया हुआ है, 17 में भी आया हुआ है और 2003 में भी आया हुआ है और 2015 के मेन में भी आया हुआ है, तीन बार एक ग्राफ रिपीट हुआ है, तो इतना इम्पोर्टेंट है, समझ में आ गया। देखिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अब वर्सेस एक्स का ग्राफ, ए किसका ग्राफ हो गया, ए किसका फंक्शन हो गया सर, स्प्रिंग पोटेंशियल वर्सेस एक्स, ए किसका फंक्शन हो गया, स्प्रिंग पोटेंशियल वर्सेस टाइम, राइट। ए कभी निगेटिव होगा, ए कभी निगेटिव होगा, स्क्वायर में आ गया ना साइन का, साइन निगेटिव हो तो क्या, बस उसका स्क्वायर निगेटिव नहीं रहेगा, एग्री। और एक ऐसा इक्वेशन सर, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसका कॉन्क्विटी क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा, लेकिन और वर्टेक्स कहाँ पे रहेगा, वर्टेक्स आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिखाऊंगा, ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। और इसका डोमेन क्या रहेगा, एक्स इक्वल टू प्लस ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए, इसका मतलब स्प्रिंग पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, स्प्रिंग पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा हाफ के ए स्क्वायर, एग्री, हाफ के ए स्क्वायर। और के का वैल्यू इसके से पुट कर दीजिएगा, के का वैल्यू क्या था इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, तो के का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो आपने, ताकि हाफ के स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू
आपने हाफ के ए स्क्वायर लिख दिया, पुट करने के बाद हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ के ए स्क्वायर बोले या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बोले, अलग बात है, सेम बात, सेम बात है। तो किसका वर्सेस किसका अगर आपको डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन रहेगा, ए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज एक्स का फंक्शन है, राइट। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का, ये दोनों तो 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज एक्स और स्प्रिंग मतलब डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजिशन, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज टाइम, अगर एस एच एम स्टार्ट हुआ है यहाँ से टुवार्ड्स राइट इस केस के लिए, तो स्प्रिंग पोटेंशियल वर्सेज टाइम का ड्रॉ कर पाएंगे। तो बोलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, वन, तो मैक्सिमम कितना रहेगा हाफ के स्क्वायर, इसका मैक्सिमम वैल्यू अलग रहेगा सेम रहेगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे स्प्रिंग पोटेंशियल कितना था जीरो, यहाँ पे एक्स यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पे जीरो राइट। और ग्राफ कैसा शुरू होगा, नीचे नहीं जाएगा पता है कि नहीं, और यहाँ पे t इक्वल टू कितना रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे कितना रहेगा ओमेगा t इक्वल टू पाई पाई बाई टू ना, मेगा t इक्वल टू पाई बाई टू, इसका मतलब t इक्वल टू टी बाई फोर, टी इक्वल टू टी बाई फोर एग्री। इसका मतलब है कि यहाँ पे t इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक कितना साइकिल, वन बाई फोर, और यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल, और फिर यहाँ से यहाँ तक हुआ क्या है कि साइन का ग्राफ तो ऐसे होता है कंप्लीट साइकिल में, बट ये मेरा ऊपर जा रहा है क्यों, क्योंकि मॉड स्क्वायर हो गया, इसलिए यहाँ से यहाँ तक आपका कंप्लीट साइकिल है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कितना टी बाई फोर रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा टी बाई टू रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा थ्री टी बाई फोर रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा तो एक किसका फंक्शन है यू वर्सेस टाइम का, एक किसका फंक्शन है यू वर्सेस एक्स का, टाइम तो चलते रहेगा आगे बढ़ टाइम आगे बढ़ेगा, पर इसमें एक्स आगे नहीं बढ़ सकता है, एक्स के टर्म में माइनस और प्लस के बीच में ही ग्राफ रहेगा, बट टाइम के टर्म में ग्राफ आगे जाते रहेगा एग्री। समझ में आ गया, यहां देखिए एक और चीज, u प्लस के इक्वल टू व्हाट, u प्लस के इक्वल टू e, और यहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा, और e का वैल्यू कितना हाफ के स्क्वायर बोले या हाफ एम मेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बोले, अलग बात है सेम बात, पिछले क्लास में प्रूफ कर दिए थे कि टोटल को जोड़ते हैं तो कितना बराबर आता है, इतना बराबर ही आता है। तो k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर और माइनस यू, और हाफ के ए स्क्वायर और माइनस व्हाट हाफ के एक्स स्क्वायर एग्रे। एक कैसा है सर, ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x, ये क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x, कैसा इक्वेशन ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक, ये कांस्टेंट है ना भाई, एक है कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इट इज काइनेट इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट पैराबोला, बट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है नेगेटिव, तो कॉन्क्यूटी क्या रहेगा। और यहाँ देखिए एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब आप कहाँ पे हैं मीन पोजिशन पे हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पे कहाँ पे हैं मीन पोजिशन पे, अब मीन पोजिशन पे स्पीड क्या रहता है मैक्सिमम, तो काइनेटिक क्या होना चाहिए मैक्सिमम। और ऐसे भी देख लीजिए दिस माइनस दिस, तो जहाँ पे एक्स का वैल्यू ए टर्म कम, जहाँ पे ए टर्म मिनिमम, वहाँ पे पूरा टर्म मैक्सिमम, ये होना भी चाहिए था,
जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि इन दोनों का सम कांस्टेंट है, तो जहाँ पे ये सबसे कम रहेगा वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा रहेगा एंड वाइस वर्सा। तो कैसा ग्राफ होना चाहिए? इंट्यूशन नहीं चलेगा भाई, वर्टेक्स भी पता करना पड़ेगा, इंट्यूशन चलता है क्या यहाँ पे? कैसे होना चाहिए देखिए, तो ये ग्राफ कैसा होता है, इसका वर्टेक्स बताइए। देखिए तो सही है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा? यहाँ पे के मैक्स रहेगा, नहीं हाफ के ये स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा मुझसे भी दो लाइन मैथ सीख लीजिए। यहाँ देखिए, ये पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म है, पैराबोला का या स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। यहाँ पे एक्स नॉट और वाई नॉट, लेकिन बीच में निगेटिव रहना चाहिए, माइनस। एक्स नॉट वाई नॉट होता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, और ए का साइन पॉजिटिव तो कॉन्क्विटी अपवर्ड, और ए का साइन नेगेटिव तो कॉन्क्विटी डाउनवर्ड। तो अगर एकदम बिल्कुल रेडीमेड ऐसा सेट किया हुआ मिल जाए तो और भी बढ़िया है। के इक्वल टू क्या था? हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको मान लेते हैं कोई वैल्यू, तो के इक्वल टू के नॉट, के इक्वल टू के नॉट। अब माइनस इसको मान लेते हैं ए ए एक्स स्क्वायर, तो k माइनस के नॉट इक्वल टू व्हाट? माइनस ए एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर को x माइनस जीरो का होल स्क्वायर कर सकते हैं? नहीं लगता कि इस पर सेट कर गया। इसमें वर्टेक्स इसका बाई का काम कौन कर रहा है? k। इसका वर्टेक्स का बाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? के नॉट। और यहाँ पे x का वर्टेक्स क्या रहेगा? जीरो, और कॉन्क्विटी डाउनवर्ड। तो अगर वर्टेक्स का में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट, मतलब वर्टेक्स वाई एक्सिस पे है, कौन सा एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। इतना तो आसान था। लास्टली कोऑर्डिनेट के मेथड्स, कैलकुलस के मेथड से भी ड्रॉ करने के सिखा दिए हैं। एनीवे, अब एक काम कीजिए, काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन क्या मिला? इससे तो ऑब्जेक्टिव, तो ये तो ये भी तो ऑब्जेक्टिव बन गया निका या जे मिन का, कि पहले पूछा हुआ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स, अब हो सकता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स पूछ लिया जाएगा। और उस केस में कैसा है? एक्स के लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पॉलीनोमियल, राइट? हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। बोलिए एक्स के बदले एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, एक्स का वैल्यू कितना था? ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाफ के ए स्क्वायर। बोलिए हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? हाफ के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए, मेरे जिस एग्जाम्पल को लेकर मैं इतना कुछ आपसे बात कर रहा हूँ, उस एग्जाम्पल में पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम क्या था? साइन का फंक्शन था। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का कैसा फंक्शन है? कॉस का फंक्शन है। टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितना? और यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितना? हाफ के स्क्वायर। अलग वैल्यू दे रहा है या सेम वैल्यू दे रहा है? तो अब इसका ग्राफ कैसा चलेगा? तो मुझे लगता है कि ऐसे चलेगा, नहीं राइट? उसमें ग्राफ कैसे चल रहा है, यहाँ पे ग्राफ कैसे स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे कॉर्नर मत बनाइएगा, ये पता है कि नहीं?
कॉर्नर क्यों नहीं बनाते हैं, मेडिकल वाले छोड़ दीजिए इस बात को, बस आप लोग एक मिनट, यहाँ पे कॉर्नर क्यों नहीं डेवलप करते हैं? वेरी गुड, कॉर्नर अगर ऐसे डेवलप करेंगे ना तो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, समझे? ये कॉन्सेप्ट है, जबकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे कौन सा टाइम, यहाँ पे आने का मतलब कॉस का वैल्यू जीरो होना, कॉस का वैल्यू पहले फर्स्ट जीरो डिग्री से स्टार्ट किया आपने सफ़र, तो पहला बार जीरो कब होगा? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री का मतलब कितना साइकिल? 1/4। कितना साइकिल? 1/4। ऐसे याद रखिए, 90 डिग्री पहला 90, 1/4 साइकिल, पहला 180 हाफ साइकिल, पहला 270 3/4 साइकिल। तो यहाँ पे कितना रहेगा? 3/4। यहाँ पे क्या मिलेगा? 3/2। यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे क्या रहेगा? टी। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आने में तब जाकर कंप्लीट वन साइकिल। तो कंप्लीट वन साइकिल में दूसरा ऑब्जेक्टिव, इन कंप्लीट वन साइकिल काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना बार आता है? यहाँ से तो दूसरे के लिए काउंट होगा ना, इसको काउंट कर लिए पहले वाले के लिए, और इसको भी काउंट कर लेंगे दूसरे वाले के लिए, तो दूसरा वाले के लिए फिर मैक्सिमम क्या काउंट करेंगे? नहीं समझे? जीरो से 360 के बीच में यह ए राइट, ये फर्स्ट साइकिल का पहला मैक्सिमम है, ये सेकंड साइकिल का पहला, इस सेकंड साइकिल की काउंट करेंगे। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी का कंप्लीट साइकिल में कितना बार मैक्सिमम वैल्यू अब मिलता है? दो बार। अब पोटेंशियल एनर्जी का कंप्लीट साइकिल में कितना बार मैक्सिमम मिलता है? दो बार ना, दोनों का दो दो बार मैक्सिमम मिलता है। और काइनेटिक मैक्सिमम कहाँ मिलता है? मेन पोजीशन पे। तो दिमाग दौड़ाइए, कंप्लीट साइकिल जहाँ से स्टार्ट करते हैं राइट, पहला बार मीन ये था, वापस लौटेगा तब भी तो मीन रहेगा, और थर्ड टाइम जब वापस लौट के जाएगा वो दूसरा साइकिल का स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना बार मीन पोजीशन को क्रॉस किया? स्टार्ट वहाँ से किया, दोबारा क्रॉस किया राइट, दो बार मैक्सिमा किसका? काइनेटिक एनर्जी का, और दो बार मैक्सिमा किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। और काइनेटिक का मैक्सिमा कहाँ पे? मीन पोजीशन पे। और पोटेंशियल का मिनिमा कहाँ, मैक्सिमा कहाँ पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो दो एक्सट्रीम टच किया है, एक राइट एक्सट्रीम और एक लेफ्ट एक्सट्रीम। ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ग्राफ बोल रहा है, एग्री? ठीक है ना, चलिए। और ये तो चलते रहेगा, बट क्या ये चलते रहेगा या इसका ग्राफ का बाउंड्री है? माइनस से प्लस है, बट टाइम का तो बाउंड्री नहीं है। एक साइकिल उसके बाद दूसरा साइकिल उसके बाद तीसरा साइकिल एंड सो ऑन, टाइम बढ़ते चला जाएगा तो ग्राफ भी बढ़ते चला जाएगा। एग्री? दिखाइए, हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये ग्राफ किसका वर्सेस किसका, बोलिए? ये है U वर्सेस X, ये किसका वर्सेस किसका? वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, बहुत काम का चीज बता रहा हूँ, ठीक है? तो नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का ग्राफ जस्ट उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे जिसका मैक्सिमा रहेगा वहाँ पे दूसरे का मिनिमा रहेगा एंड वाइस वर्सा। बट मेरा क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा, इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसा ही रहेगा? ऐसा भी तो कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, चीज़ों को थोड़ा समझिएगा स्टूडेंट। यहाँ देखिए, तो
एक खासकर मेडिकल वाले बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग अपना सफ़र अपने SHM का मेन पोजीशन से स्टार्ट किए हैं, इसलिए ऐसा ग्राफ हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से न शुरू करके मैं पहले यहाँ पे खींच के रखा, यहाँ पे एकदम होल्ड करके रखा हुआ हूँ, पुल पहले से कर लिए और तब छोड़ रहे हैं। तब आपने सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से शुरू किया तब वहाँ उस टाइम पे काइनेटिक क्या रहेगा? जीरो। पोटेंशियल क्या रहेगा? मैक्सिमम। तो नहीं लगता कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ फिर उल्टा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और काइनेटिक ग्राफ कौन सा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसलिए माइंड में ये तो बैठा लीजिएगा ना कि आपने सफ़र कहाँ से शुरू किया। अगर एक्सट्रीम से शुरू करेंगे तो ग्राफ जस्ट उल्टा हो जाएगा। एग्री? जितना भी ग्राफ पढ़ा रहे हैं सबको शॉर्ट नोट्स में रखिएगा। And so on. मैंने दो ग्राफ को एक जगह रिप्रेजेंट किया। एक किसका ग्राफ है? वर्सेस टाइम। मैंने पहला एग्जांपल जो पहला फर्स्ट क्लास में उसी पे मैं बात कर रहा हूँ अभी। और एक किसका ग्राफ है? के वर्सेस, ठीक है, निकाल दीजिए। बोलिए किसका वर्स किसका किसका ग्राफ हम लोग समझ गए हैं? एक्स वर्सेस टाइम, समझ गए? वी एक्स वर्सेस टाइम, वी एक्स वर्सेस टाइम, वो भी तो समझ गए। वी एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ सिंपल है, ये साइन का फंक्शन था। वी एक्स वर्सेस टाइम देखिए तो साइन का या कॉस का किसी का था, लेकिन जो भी था टाइम का था और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन था, राइट? और वी एक्स वर्सेस एक्स इलिप्स था। वी एक्स वर्सेस एक्स मैं बता रहा हूँ, मुझे याद है, वी एक्स वर्सेस टाइम कॉस का फंक्शन था और एक्स वी एक्स वर्सेस एक्स इलिप्स का इक्वेशन था। उसके बाद एक्स वर्सेस एक्स स्ट्रेट लाइन था और एक्स वर्सेस टाइम साइन का फंक्शन था, लेकिन वो नीचे से शुरू होता है एक्स वर्सेस एक्स। तो सारा इतना सारा ग्राफ तो एक जगह। फिर आज के क्लास में यू एक्स वर्सेज एक्स, यू एक्स वर्सेज टाइम, के एक्स वर्सेज एक्स, के वर्सेज एक्स और के एक्स वर्सेज टाइम, इतना ग्राफ। ये सब ग्राफ बहुत फेवरेट ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया, हो जाएगा ना?
देखिए स्टूडेंट, एफ एक्स का मतलब फोर्स, मैंने आपको सुना दो फंक्शन लिखा, एक है सिंपली लीनियर, एक सिंपली क्या है लीनियर, और दूसरा है क्वाड्रेटिक। अब अगर आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन सा SHM का इक्वेशन बन सकता है, तो SHM होने के लिए x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए। अगर लीनियर SHM, कौन सा लीनियर SHM कर रहे हैं, वन डायमेंशनल, तो इस केस में x इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, a बाई m इंटू x। तो यहाँ पे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, x, सिर्फ x डायरेक्टली टू x होना चाहिए, x का स्क्वायर नहीं। इसलिए एक इसका इक्वेशन बन सकता है, इट मे बी द इक्वेशन ऑफ व्हाट, SHM। बट क्या SHM का इक्वेशन बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, कि सर यहाँ तो x स्क्वायर का भी फंक्शन हो जाएगा, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, क्वाड्रेटिक या लीनियर, लीनियर लिखे। SHM होने के लिए x डायरेक्टली इक्वल टू व्हाट, या तो x नहीं तो थीटा, या तो x नहीं तो थीटा, नहीं तो बाई, नहीं तो जेड, बट सबका पावर कितना रहेगा, 1 रहेगा। लिखिए लिखिए, मैं जो समझा रहा हूँ उसको लिख लीजिए, बाद में डिस्कस कीजिएगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज किस पॉइंट के अबाउट होता है, अस्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट, किसके अबाउट, अस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या होता है, जहाँ पे फोर्स जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, फोर्स जीरो उस पूरे मोशन का जहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल रहेगा उसके अबाउट होता है, एग्रे। फॉर एग्जांपल, इससे पहले के एग्जांपल में SHM किसके अबाउट हो रहा था, x इक्वल जीरो पे, और वहाँ पे पोटेंशियल क्या था, मिनिमम था, क्या था, एक लाइन लिखिए, बहुत बड़ा पॉइंट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट अबाउट अस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन वेयर नेट फोर्स जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, वेयर नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क भी रहेगा, जब टॉर्क रहेगा तो टॉर्क का बात करेंगे, ठीक है, वेयर नेट फोर्स जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। एक आपको की पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ देखिएगा, आज के बाद दिस इज अ मोर एंड मोर जनरलाइज कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट कंपल्सरी कि SHM जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है वो सिर्फ x का ही हो, कोई भी फंक्शन, तो सर ये ई क्या हो सकता है स्टूडेंट, ये ई एक्स भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ई वाई भी हो सकता है, ई जेड भी हो सकता है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे मोशन है SHM, लेकिन किसका SHM, एक्स का है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, राइट, ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी मैं बोल दूंगा कि वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहा है, वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहा है, वेलोसिटी का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, किसका सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ पे ई का, अगर एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स का सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट, बट यहाँ पे भी तो हो सकता है, कोई बोल दिया वेलोसिटी चेंजेस सिंपल हार्मोनिकली, इसका मतलब उसका जो यहाँ पे क्या रहेगा वी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी एक्स, तब वहाँ पे सिंपल वी एक्स चेंजिंग हार्मोनिकली, सिंपल हार्मोनिकली, समटाइम्स यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन सिर्फ एक्स के नहीं, किसी और के लिए भी हो सकता है, ऊपर लेवल की बात कर दिया, बट अभी तो मुझे सिर्फ इंटरेस्टेड है, मेरा इंटरेस्ट किस पे है,
एक्स में, नहीं तो वाई में, नहीं तो अगर यहाँ पे एक्स रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स। लेकिन एक बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ, तो सर ऐसा इक्वेशन रहेगा और तब मैं बताऊँगा कि ऐसा मैंने डेवलप करके दे दिया और देन किस पॉइंट के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, अबाउट विच पॉइंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके लिए इसको जीरो कर दीजिएगा, इसको जीरो कर दीजिएगा, और इसको जीरो करने के बाद जो मिलेगा वैल्यू उसी के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन होते रहेगा, वही आपका मीन पोजिशन रहेगा। एग्री? यहाँ से जीरो करने के बाद जो मिलेगा उसी के अबाउट क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। एग्री? फॉर एग्जाम्पल डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तब यहाँ पे एस एच एम अबाउट विच पॉइंट, तो किसके अबाउट हो रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, लिखते जाइए, लिखिए लिखिए, डी टू एक्स माइनस टू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा भी हो सकता है डी टू एक्स, डी टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो उस केस में किसके अबाउट एक्स माइनस टू इक्वल टू क्या कर दीजिए, जीरो। तो यहाँ इस केस में किसके अबाउट इस सिस्टम हो रहा है, एक्स इक्वल टू टू के अबाउट। एग्री? अगर यहाँ पे प्लस टू रहता देन, समझ में आ गया? चलिए, एस एच एम अबाउट विच पॉइंट, एस एच एम किसके अबाउट, जीरो एन कुछ बोलते ही नहीं है सर, क्या बोलें, बोलने के लिए कुछ यहाँ पे रहा ही नहीं, मैं तो कंफ्यूज होकर रह गया। कोई बात नहीं, यहाँ देखिए एफ एक्स इक्वल टू व्हाट, मान लेते हैं कि के एक्स माइनस बी दे दिया, राइट, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के बाई एम एक्स माइनस बी, और इसको क्या लिखेंगे, डी टू एक्स बाई डी टू स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम एक्स माइनस बी, और एक किसका काम करेगा, ओमेगा स्क्वायर का, यहाँ तक आइए, यहाँ तक आइए, इसका मतलब डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस बी। रुकिए तो सही है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही कुछ मिलेगा, वहाँ पे x के बदले x था, यहाँ पे x माइनस बी है, तो x माइनस बी इक्वल क्या लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, राइट? एग्री? अब एक काम कीजिए, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी एक्स माइनस बी बाई डी टी इक्वल टू व्हाट, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, राइट? अब फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी टी स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए
कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, और इसके बदले कितना था बोल तो, अच्छा कॉस को साइन हो जाएगा ना, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इक्वल टू क्या था ओमेगा एक्स माइनस बी ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इक्वल टू तो ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस हाँ ठीक है ना। तो भाई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, एक्चुअली इसको दो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे, मैं जानबूझ के बी को कैरी ऑन किया, बट बी का तो यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो डी एक्स बाई डी टी तो बचेगा, बी का डिफ्रेंशिएट कांस्टेंट टर्म है, क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब है कि अगर इसको ऐसे लिख रहे हैं और इसी के बदले अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसके बदले अगर ऐसे लिख दें तो गलत है क्या, या बिल्कुल 100% सही रहेगा, क्योंकि सर इसमें कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पे माइनस एक्स 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 लिखे है इसी को एक्स माइनस बी लिख देंगे, एक ही बात रहेगा क्योंकि बी का डिफरेंस पहले बार में ही जीरो हो गया, सेकंड टाइम में तो और भी जीरो हो जाएगा राइट। इसलिए डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर और डी टू एक्स माइनस बी बाई डी टी स्क्वायर अलग रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर ऐसे एग्जामिनर अगर आपको कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे दिया तो आप इसको इसके बाद टाइम में यहाँ पर लिख दीजिए, अब तो सूट कर गया, समझे मेरे बात को, दैट्स वाई। तो सर इसका मतलब है कि ओरिजिनल ये था कि इसको जीरो करना था, अरे करते एक्स इक्वल टू जीरो करके नहीं करेंगे ना, यहाँ पे इसको पकड़ के रखना है, हाँ हाँ एक्स एक्चुअली मेन पोजीशन कहाँ पर रहता है जहाँ पे फोर जीरो रहता है, तो एक्चुअली इसको जीरो करेंगे तो ये वाला ओरिजिनल क्या था, इसको जीरो करना है, लेकिन एग्जामिनर आपको ऑलवेज कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। इसलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट ए सिस्टम किसके अबाउट, इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे फोर्स जीरो, तो फोर्स जीरो करेंगे तो ए जीरो होगा, क्या जीरो होगा, इसको जीरो करना है। तो इसका मतलब है कि अगर, लेकिन ए भी तो हो सकता है कि इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, इसका मतलब ऐसे ये दिए रहेंगे तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कौन किसके अबाउट ए सिस्टम होगा उसके लिए इस टर्म को ओमेगा स्क्वायर के बाद जो टर्म रहेगा उसको जीरो कर देना है। अग्रे समटाइम्स यहाँ पे ऐसा नज़र नहीं भी आएगा, वजह क्यों कि दो बार डिफ्रेंशिएट करने से हो सकता है कि बीच खत्म हो जाए, तो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का जो कोफिशियंट रहेगा उसको जीरो कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन दिस केस एस एस एम अबाउट विच पॉइंट अबाउट एक्स इक्वल टू बी, अबाउट एक्स इक्वल टू बी, अग्रे एग्जाम्पल के तौर पे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस थ्री एस एच एम अबाउट विच पॉइंट, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री के अबाउट हो रहा है, ठीक है। एक्स इक्वल टू माइनस थ्री अब मेरा मीन पोजिशन रहेगा, क्या रहेगा, यही तो आता है ये आपके लिए अभी छोटा कॉन्सेप्ट है, बट मुझे पता है कि ये बात भी एक्चुअली बच्चों को नहीं पता रहता है, वो सिर्फ बोलते रहते हैं कैसे जब जहाँ पे नेट फोर्स जीरो था उसके अबाउट होता है, बट उसको समझते नहीं हैं। अभी तो समझ में आ गया, लिखे डिस्कस द मोशन ऑफ प्रॉब्लम, लिखे डिस्कस द मोशन ऑफ पहला क्वेश्चन एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यही प्रॉब्लम है आपका, और दूसरा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस टू पाई बाई थ्री, एग्री। दोनों मोशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट ठीक है ना, और फेज क्या होता है, व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ फेज,
सर फेज ऐसा चीज़ है कि वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता है, और अगर इनिशियल फेज पता है तो वो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा। एनीवे पहला फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, इसमें इसका इपॉक क्या है। ये मत पूछिए सर इपॉक किसको बोलते हैं, अल्फा इनिशियल फेज आएंगे इनिशियल फेज को, राइट। इनिशियल फेज क्या होता है, जब टी इक्वल जीरो पे, तो टी इक्वल जीरो पे एंगल अंदर में क्या बताया, जीरो ही तो इसमें टी इक्वल टू जीरो पे फेज क्या है अल्फा, वो क्या है जीरो। इतना समझ में आ गया। वी एक्स क्या होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक्स क्या होगा, ओमेगा टी, एग्री। और ए क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एस एच एम किसके अबाउट हो रहा है, अबाउट विच पॉइंट, एक्स इक्वल टू जीरो, ये डिसाइड कर लिया। तो एस एच एम होना है एक्स इक्वल टू जीरो के अबाउट। यहाँ तक किसी को तकलीफ नो। अब जीरो के अबाउट होना है तो कहाँ से कहाँ तक करेगा, प्लस ए से माइनस से, प्लस ए से माइनस से। तो इसका मतलब ए मेरा हो गया एक्सट्रीम पोजिशन। मोशन डिस्कस करने का मतलब यही तो है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा और कहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट किया। जाना है माइनस से प्लस ए तक, और सफ़र स्टार्ट करने के टाइम को कहाँ था इनिशियली, टी इक्वल जीरो पे कहाँ पे था, तो टी देख लीजिए टी इक्वल टू जीरो इसमें पुट कर दीजिए तो कहाँ पे था, इसका मतलब पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन पे था एक्स इक्वल टू। अब एक्स इक्वल टू जीरो पे है तो इसका जाने का दो तरीका हो सकता है, या तो टुवार्ड्स राइट नहीं तो टुवार्ड्स, वो कौन बताएगा, वी एक्स, कौन बताएगा वी एक्स। तो टी इक्वल जीरो वी एक्स कितना, बोलिए सर प्लस ए ओमेगा कितना, तो वी एक्स का साइन प्लस, इसका मतलब किधर जाएगा। तो नहीं तक एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया कि जब एस एच एम किस कम, एस एच एम का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चाहिए भाई आप लोग को। तो सर मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए, कौन सा मीन पोजिशन है ये चाहिए, राइट। कहाँ पे इनिशियली था, कहाँ से इसने अपना सफ़र स्टार्ट किया, राइट। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एक पिस्टन है किसी ऑटोमोबाइल का, राइट, और ए यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, एग्री। इज इट कंपल्सरी कि एकदम बिल्कुल इतना सोच समझकर गाड़ी को आप स्टार्ट या बंद करेंगे कि नहीं एकदम बिल्कुल आकर यहाँ पे ही रहे पिस्टन, कभी भी तो बंद कर सकते हैं, अपना गंतव्य पे पहुँच गए डेस्टिनेशन गाड़ी बंद हो सकता है उस टाइम पे पिस्टन यहाँ पे ना आके हो। अरे मेन पोजिशन इसका ये है, हो सकता है कि जब गाड़ी बंद की तो यहाँ पे हो पिस्टन, फिर गाड़ी स्टार्ट की तो अपना स्टार्ट कहाँ से करेगा सफ़र, यहाँ से। इसलिए दैट्स वाई एस एच एम का मतलब मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ के बीच में होना है, बट इज कंपल्सरी कि उसके लिए एकदम ऑल द टाइम सजा कर यहाँ पे ही रखेंगे पिस्टन को, नहीं। इसलिए अगर एस एच एम माइनस से प्लस ए के बीच में होना है तो इसमें पार्टिकल बीच में कहीं भी से भी अपना सफर स्टार्ट कर सकता है, बट मेरे पहला केस में कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एक कॉन्फिडेंस की बात है, चांस की बात है कि मेन पोजीशन से ही स्टार्ट कर रहा है, राइट। और मेन पोजीशन से स्टार्ट करने का दो तरीका हो सकता है, या तो टुवार्ड्स राइट जाए नहीं तो लेफ्ट, बट जाएगा किधर, ये कौन बताएगा, वी एक्स, एग्री। तो डिस्कस हो गया, इसका मतलब पहला एग्जाम्पल में एस एच एम हो रहा है किसके अबाउट, और एक्स इक्वल टू जीरो के अबाउट, एम्पलीट्यूड कितना है ए, और इसका डोमेन क्या रहेगा एक्स का, माइनस ए से प्लस ए। टी इक्वल टू कहाँ से सफर स्टार्ट किया, इनिशियल फेज कितना था जीरो, मतलब ओरिजिन पे था, राइट। यहाँ तक हो गया, इसका मतलब ए मोशन ऐसे होगा, ए ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, राइट, और फिर ऐसे जाकर ऐसे आएगा, दिखा दीजिए। मतलब हम लोग छोटा छोटा चीज़ पे रुकने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके माइंड से ऐसे चेम जो होता है ना बहुत टफ है या कुछ है निकल जाए।
हो गया। अब सेकेंड प्रॉब्लम का डिस्कस करते हैं। एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ था, टू पाई वाई थ्री। देखिए स्टूडेंट, टू पाई वाई थ्री का मतलब कितना एंगल, 120। कितना एंगल, 120 डिग्री। कितना डिग्री, क्या प्रॉब्लम है। एक हो गया कितना, 360 डिवाइड बाई थ्री, 120। राइट, समझ में आ गया ना। और एक काम कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, बहुत बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। बहुत आसान है लेकिन इंटरेस्टिंग है। कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन के बाद, बोलिए भाई, इसका डिफरेंशिएशन तो कर ही सकते हैं। क्या प्रॉब्लम होता है आप लोग को डिफरेंशिएट करने में, बच्चा टाइप का डिफरेंशिएशन में नहीं बोलते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन नहीं आता है, कॉस और टी का कोफिशिएंट बाहर आ जाता है, ऐसा डिफरेंशिएशन जीरो। फिर से एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, कितना हो जाएगा, अरे वैल्यू कितना है, अब यहां देखिए, जहां पे x जीरो वही तो मीन पोजीशन था, तो अगर इस टर्म को अगर जीरो करते हैं, एक्स जीरो का मतलब एक्स इक्वल जीरो, इसका मतलब इस केस में भी एस एच एम किसके अबाउट हो रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो के अबाउट हो रहा है। अग्रे हाँ या ना। ऑनलाइन का स्टूडेंट, इस एग्जांपल में भी एस एच एम अबाउट विच पॉइंट, एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पे ही एक्स जीरो रहेगा, और जहाँ पे एक्स जीरो रहेगा वहाँ पे ही फोर्स जीरो रहेगा, और जहाँ फोर्स, तो एस एच एम किसके अबाउट होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट, किसके अबाउट, इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे नेट फोर्स जीरो है। ये बहुत टफ था। तो समटाइम्स एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी दिया रहेगा, राइट, तो उस टाइम पे उसको दो बार डिफ्रेंशिएट करके एक्स पे पहुँच जाइएगा, कहाँ पे, क्योंकि आप किसके अबाउट हो रहा है उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, नेट फोर्स जहाँ पे जीरो है, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो रहेगा या नेट टॉर्क, अभी फोर्स का सिर्फ बात कर रहे हैं, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो रहेगा वहाँ पे एक्स जीरो रहेगा, तो एक्स को जीरो करेंगे तो इस टर्म को भी जीरो करना पड़ेगा, इसको जीरो किया तो एक्स इक्वल क्या मिला, जीरो। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो मेडिकल के लिए यही हो गया कि इस इक्वेशन में एस एच एम अबाउट विच पॉइंट, एक्स इक्वल टू जीरो। मेरा अभी मिशन हो गया है कि मेडिकल के बच्चों से एस एच एम का क्वेश्चन नीट में बनवा देना, दिस इज माई प्राइम टारगेट। ये लोग बोलते हैं ना बहुत टफ है, जैसे इरिना बोलते हैं सर इतना टफ है क्या बताएं, तो मेरा टारगेट हो गया कि इनसे ऐसे जब क्वेश्चन में बनाइए, मेरे पढ़ाने को अगर नहीं बनेगा तब बोलिएगा, एक लाइन से सारा, एक आध क्वेश्चन तो एक्सेप्शन हो सकता है लेकिन सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन हर एग्जाम्पल पर मैं रुकूँगा, मतलब उसके पीछे वजह है कि ऐसे जब खुद का भी मैं रिविज़न कर रहा हूँ, हर साल एक एटलीस्ट एक बार तो रिविज़न बनता है, इस बार का यही रिविज़न है। एक्चुअली इस टॉपिक को बहुत पहले कवर करना था मुझे, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, जिन लोग का कोरोना की वजह भी हुआ, प्लस जानते हैं दिसंबर के बाद स्कूल का एक्टिविटी बढ़ जाता है, क्या कर सकते हैं, ये सब रोटेशन ऐसे से, ये सब टॉपिक ऐसा है जिसमें टाइम चाहिए आराम से, तब जाकर आप समझ पाइएगा, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में टीचर दो दिन में भी ऐसे ख़त्म कर देंगे, और ख़त्म ही कर देंगे, समझ में नहीं आएगा कि ऐसे किसके अबाउट हो रहा है, हो गया ना। यहाँ से नहीं पता चलता कि किसके आउट हो रहा है, उसके लिए कहाँ पे जाना पड़ा, यहाँ पे, राइट। ये तो समझ में आ गया कि एक्स इक्वल टू इसके अबाउट एस एच एम होना है, राइट। ये मेरा कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन है, और एस एच एम तो माइनस से प्लस के बीच में ही होगा, राइट तो ये समझ में आ रहा। अब एक मिनट रुकिए, ध्यान सुनिएगा,
अगर पार्टिकल यहाँ से सफ़र शुरू करता, कहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना एंगल खर्च होता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? यहाँ से यहाँ तक आने में कितना एंगल? 90। और वापस यहाँ से यहाँ तक आने में कितना? अगेन 90। तो 90 प्लस 90 270। क्योंकि वन कंप्लीट साइकिल अगर यहाँ से स्टार्ट करते तो वन कंप्लीट साइकिल में 360 खर्च होता है कितना। लेकिन आपने इस एग्जांपल में आपने सफ़र कहाँ से शुरू किया? टी इक्वल टू जीरो पे आप कहाँ पे हो? तो सर एंगल तो 120 है, इसका मतलब यहाँ यहाँ से यहाँ पे आ चुके होंगे, राइट। अब वापस आ रहे होंगे या बीच में कहीं रह गए? क्योंकि यहाँ तक आने के लिए कितना चाहिए था? 180। कितना चाहिए था? 180 का मतलब आप यहाँ से जाकर ऑलरेडी पहले से 180 का मतलब ऑलरेडी आधा एस एस एम कर चुके थे। होना किसके अबाउट है? एक्स इक्वल टू जीरो। बट इस केस में आप कहाँ पे हैं? टी इक्वल जीरो पे। टी इक्वल टू जीरो पे आपका फेज कितना है? इनिशियल एंगल फेज डिफरेंस क्या है? 2π/3। क्योंकि फेज यही है ना, ओमेगा टी प्लस 2π/3। इसमें एक इसको क्या बोलते हैं? अल्फा, राइट, इपॉक, राइट। तो टी इक्वल पे आप कहाँ पे हैं? 2π/3। 2π/3 का मतलब आपने 1/4 साइकिल कंप्लीट कर लिया और हाफ साइकिल कंप्लीट करने के बीच में, बीच रास्ते में है। इसका मतलब है कि हम लोग समवेयर बिटवीन इस पॉइंट को बी बोल देते हैं आज, ठीक है, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी। तो हम लोग बी और सी, सी बी और सी के बीच में हैं, बी और सी, लेकिन बी और सी के बीच में हो रहते हुए क्या टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं? वापस है, जाने का काम तो 90 डिग्री तक था, तो 90 से 180 के बीच में क्या होता है? राइट एक्सट्रीम से मीन पे आने का प्रोसेस। एक मिनट, 0 से 90 क्या होता है? मीन से एक्सट्रीम राइट जाने का प्रोसेस। और 90 से 180 क्या होता है? राइट एक्सट्रीम से मीन तक आने का प्रोसेस। 180 से 270 क्या होता है? मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम आने का। और 270 से 360 क्या होता है? यही तो काम है। इसका तो आप कहाँ पे हो? ये नहीं कि सर कैटलिस्ट में। हम लोग हैं सर सी और बी के बीच में, वापस कहीं पे हैं और वापस आ रहे हैं। किसके तरफ? मीन के तरफ। वजह सर 90 को क्रॉस कर गए बट 180 पे टच नहीं किए हैं। इससे ज़्यादा तोड़कर मैं क्या समझा सकता हूँ? जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं एकदम न्यूमेरिकली प्रूफ कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग कहीं पे यहाँ पे हैं, नहीं, पार्टिकल मेरा कहाँ है? यहाँ पे है। और यहाँ पे होते हुए किधर? इधर या इधर? ये हम लोग अपना इंट्यूशन डेवलप किए। अगर ये मेरा मैथमेटिकल इसका इन सब के साथ मैच कर गया, मतलब वी आर करेक्ट, राइट। लेकिन अभी भी यहाँ पे हैं बट मेरा मीन पोजीशन क्या है? एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद अगर इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल फेज अगर जीरो नहीं रहेगा, इसका मतलब हम लोग अपना एस एच एम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मीन से या समवेयर अदर देन मीन? समवेयर अदर देन। अल्फा जीरो रहेगा तब हम लोग मीन्स एस मीन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, बट अल्फा अगर जीरो नहीं रहेगा देन व्हाट? अगर अब कुछ केस ले लेते हैं, इसी केस में आप लोग बोलते रहिएगा मुझे, अगर अल्फा इक्वल टू पाई बाई फोर रहता, अल्फा इक्वल टू पाई बाई फोर, अरे फंक्शन साइन का रहता, किसका? साइन का। तो उस केस में हम लोग साइन के लिए, साइन के फंक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, किसके लिए? कॉस के लिए रहेगा तो कुछ और बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्स किसका फंक्शन? बोलिए भाई, साइन का। तो अगर अल्फा इक्वल टू पाई बाई फोर रहेगा तो उस केस में हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग बी और सी के बीच में हैं, समवेयर बिटवीन बी एंड सी, लेकिन हम लोग टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं क्योंकि अभी लोग राइट एक्सट्रीम पे नहीं पहुँचे। राइट एक्सट्रीम के लिए कितना एंगल खर्च करना पड़ेगा? 90। इसका मतलब समवेयर बिटवीन बी एंड सी। बट ये सारा केस मैं किसके लिए डील कर रहा हूँ? जब एक्स इज द फंक्शन ऑफ साइन नॉट कॉस। कॉस का भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे, अदरवाइज कि मैंने जो सिखाया तो एग्जामिनर आपसे बहुत ऊपर का चीज़ होते हैं, यहाँ पे कॉस दे देंगे।
उनको भी पता है ना कि टीचर कोई ऐसे तोड़ तोड़ कर समझा रहा होगा, तो कॉस देंगे तो हम लोग भी तोड़ तोड़ कॉस का भी डील कर लेंगे, और साइन और कॉस ही आएगा। अभी नहीं सर टेन आएगा तो क्या होगा? तो भाई एस एच एम का इक्वेशन का जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो किसका फंक्शन मिलता है? साइनोसोडल फंक्शन। साइनोसोडल फंक्शन कंबाइंडली कॉस और साइन दोनों को बोल देते हैं, ठीक है। चलिए समवेयर बिटवीन बी एंड सी एंड मूविंग टुवर्ड्स टुवर्ड्स राइट, ठीक है। एक केस हो गया और अगर यहां पे अल्फा का वैल्यू मान लेते हैं 225 है, कितना 225, देन व्हाट? इसका मतलब 180 क्रॉस कर गए, 180 क्रॉस कर गए, और किसके बीच में है? बी और डी, लेकिन अभी डी पे पहुंचे नहीं हैं, डी तक जाने के लिए 270 चाहिए, राइट। इसका मतलब है कि समवेयर बिटवीन, वेरी गुड, समवेयर बिटवीन बी एंड डी बट मूविंग टुवर्ड्स टुवर्ड्स, और अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका मतलब मुझे इस एंगल पे वी एक्स निगेटिव आना पड़ेगा, वी एक्स क्या आना पड़ेगा, अदरवाइज मैं रॉन्ग हो जाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक आइए, लेकिन ये सब बात किसके लिए? जब एक्स इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, नहीं किसके लिए बोल रहे हैं? साइन के लिए, कॉस के लिए कुछ अलग रहेगा, वो भी डील कर लेंगे। चलिए हम लोग का ओरिजिनल प्रॉब्लम ये था, हम लोग का ओरिजिनल प्रॉब्लम देखिए, ऐसे ही हम लोग को एसएचएम पढ़ाया गया था, और एसएचएम का ये समझे कि 10% अभी मैं कवर किया हूँ, जितना एसएचएम एक्चुअली आईआईटी के लेवल के लिए है। मेडिकल का जब हो जाएगा ना कि यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, उस दिन से आप लोग को ड्रॉप कर देंगे। चलिए स्टूडेंट, अब एक काम करते हैं, t इक्वल टू जीरो पे x का वैल्यू क्या है? ये तो पता था कि b और c के बीच में है, बट क्या कहाँ है वो देखते हैं। तो a साइन 2π/3, अरे साइन 2π/3 का, और साइन 2π/3 का वैल्यू कितना? रूट प्लस रूट 3/2, माइनस नहीं, a रूट 3/2। एक्स इक्वल टू जीरो और यहाँ पे एक्स इक्वल टू प्लस ए, हम लोग यहाँ पे हैं, एक्स इक्वल टी इक्वल जीरो पे कहाँ पे हैं, जिसको मैं एक्स नॉट नाम दे देता हूँ, क्या देते हैं? एक्स नॉट। कहाँ से एस एच एम स्टार्ट हुआ? ए रूट 3/2, यहाँ पे मेरा इन टी इक्वल जीरो पे पार्टिकल था, क्योंकि बच्चों के माइंड में एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है, कुछ सोचते हैं एस एच एम ऑलवेज मीन पोजिशन से स्टार्ट होता है, एस एच एम मीन पोजिशन के अबाउट होता है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज मीन पोजिशन से ही स्टार्ट होगा, राइट। अब नेक्स्ट वी एक्स टी इक्वल टू जीरो पे वी एक्स बताइए, टी इक्वल जीरो ही तो पुट करना है, व्हाट द प्रॉब्लम? ए ओमेगा कॉस 120 और कॉस 120 का वैल्यू माइनस हाफ, राइट। बोलिए पॉजिटिव आया या निगेटिव आया? तो हम लोग जो पहले सोच रहे थे उसके साथ मैच किया या नहीं किया? 100 मैच कर गया। पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि सर अब हम लोग पास कैपेबिलिटी है कि हम लोग कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो कंप्लीट उसके मोशन को डिस्क्राइब कर दूंगा। कंप्लीट डिस्क्राइब करने का मतलब क्या क्या चीज़ चाहिए, किसके अबाउट होगा, मतलब मीन पोजीशन चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होगा, मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और फिर
कहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट कर रहा है, बस इतना बताने का, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है और किधर जा रहा है, इतना बताने का मतलब आपने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कर दिया, अब कुछ भी उसका छूटा हुआ नहीं है। एग्रे? तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द SHM। बट उसमें सबसे बड़ा रोल किसका? इनिशियल फेज एंगल का, इनिशियल, दैट इज कॉल्ड epoch, राइट। देखिए एक्चुअल में टीचिंग में क्या होता है ना कि आप इससे, मुझे तो सब कुछ पता ही है ना, मैं किसी कैसे चीज़ों को तोड़कर आपको समझाऊँ, दैट्स व्हाई कि आपके लिए तो ये पहला बार है, मैं इसको 10-15-20 बार पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि अच्छा ऐसा तो होना चाहिए, किसी दूसरे को डांटते रहते हैं क्यों नहीं समझ में आ रहा है, बट मैं फिर पीछे जाता हूँ कि हम लोग कहाँ से सफ़र स्टार्ट किए थे, हम लोग को टीचर कैसे तोड़ तोड़ कर समझा रहे थे, इसमें टाइम लगेगा। अब उसमें जैसे बहुत लोग बोलते रहते हैं मेडिकल के बच्चे फिजिक्स में ध्यान देना चाहते हैं, दिलवाना पड़ेगा, मतलब बहुत, मतलब मैं अपना एटीट्यूड बता रहा हूँ, अपना तरीका बता रहा हूँ, टफ चीज़ है नहीं इसे, कैसे आप फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोस्टेट में देखे होंगे तो सर बहुत है, बट बाकी फिजिक्स जो मेरे साथ कर रहे हैं तब तो बहुत नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि शुरू से वैसे ही पढ़ाया गया, तो ये एक्चुअली हो जाता है, बट इसमें चाहिए सफिशियंट टाइम, कम से कम 2 साल का सिलेबस के लिए 1 साल तो चाहिए, वो उसमें थोड़ा, उसमें भी डेली क्लास ऑलमोस्ट, और मैं अपना तरीका नहीं बता रहा हूँ, कोई भी कोचिंग क्लास जो एक्चुअली बढ़िया से पढ़ाना चाहता है उसको टाइम इतना लगेगा, और सारा चीज़ को एक दिन में पढ़ाया भी नहीं जा सकता है, तब आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि सबको ये तोड़ तोड़ कर धीरे धीरे करके लाहे लाहे करके पढ़ाया जाएगा। एनीवे, तो अब SHM का डिस्क्रिप्शन तो आप कर पाएंगे, एक और क्वेश्चन दें डिस्क्राइब करने के लिए, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी अब प्लस बोले, सबसे पहला क्वेश्चन मतलब कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन छोड़िए, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला बात तो यही होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन क्या है और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम का डिस्टेंस क्या है, x = 0। और यहाँ पे अल्फा का काम कौन कर रहा है? पाई बाई 3। एक्स इक्वल 0 के अबाउट मेरा SHM होगा और टी इक्वल 0 पे पार्टिकल, और किधर कहाँ पे है देखो, सम है तो निकाल सकते हैं यहाँ से, तो x0 क्या है a√3/2, बट उसके बाद किधर जा रहा है टुवर्ड्स राइट, ये बात कहाँ से पता चलेगा, Vx से, कितना आया होगा ये ओमेगा cos ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 3, ऐसे टी को पुट कीजिएगा तो क्या मिलेगा ये ओमेगा बाई 2 राइट, ये हो गया कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अब एक मिनट रुकिए, अब तब आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक आने का
कितना टाइम लगेगा। जहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ वहाँ से मीन तक आने में कितना टाइम, और आपको और ये सोचकर पूछा जाएगा कि ऑल इफ यू आर वेरी स्मार्ट पीपल कैसे निकालिएगा। मैं तो ऐसे करता कि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम टी बाई टू है, ये मुझे पता है कितना, टू पाई बाई ओमेगा होता है टाइम पीरियड, तो टी वाई बाई टू कितना होगा, पाई बाई ओमेगा, राइट। इसमें से यहाँ तक आने का टाइम अगर माइनस कर दे तो निकल जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आने के टाइम के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ से सफ़र शुरू होता तो ही रहता ना ओमेगा टी इक्वल टू, यहाँ से सफ़र शुरू होता तो अल्फ़ा ज़ीरो होता, यहाँ से अगर सफ़र शुरू करते तो अल्फ़ा क्या होता, ज़ीरो, और तब यहाँ से यहाँ तक के लिए उसको कितना एंगल बनाना पड़ता, पाई बाई थ्री, तो टी इक्वल कितना हो जाएगा, पाई बाई थ्री ओमेगा। इस टाइम में से इसको माइनस कर देंगे, नहीं समझे, यहाँ पे जो एंगल है उसको ओमेगा टी के बराबर कर देंगे, क्योंकि यहाँ से अगर सफ़र शुरू होता तो अल्फ़ा क्या रहता, ज़ीरो, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को मैं किस में से माइनस कर दूंगा। आने तो इससे भी आसान तरीका बता दें, इससे आसान तरीका ये रहेगा, समझे सर, टू पाई में कितना टाइम होता है, इससे आसान नहीं बता सकते थे, तो एक वन रेडियन में कितना होगा, टू पाई कवर करने में कितना टाइम, टी टाइम, कंप्लीट टाइम पीरियड, तो वन रेडियन में, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना एंगल, पाई बाई थ्री, तो पाई बाई थ्री कवर करेगा तो कितना टाइम, टी बाई टू पाई इंटू व्हाट, पाई बाई थ्री, पाई और पाई कैंसिल, कितना टी बाई सिक्स, और वहाँ पे कितना आया है, पाई बाई थ्री ओमेगा, तो टी का वैल्यू पुट कीजिए, कितना था, टू पाई बाई ओमेगा बाई सिक्स, कितना हो गया, पाई बाई यूनिटरी मेथड, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ऑनलाइन के बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, या तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत बढ़िया लग रहा है, सब समझ में आ रहा है, या आप लोग बने हुए हैं लाइन पे, इसलिए अब ये बहुत आसान मेथड है। अदरवाइज यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम हम लोग को पता रहता है, ये भी तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है नीट का, यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना एंगल कवर करना पड़ेगा, यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल कवर करना पड़ेगा, पाई बाई सिक्स, तो देख लीजिएगा, बोलिए मैं क्यों रुक गया, नहीं मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि इस केस में हाफ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक में सेम टाइम रहेगा या अलग टाइम रहेगा, वही मैं सोच रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक आ गया कि जो मैं यूनिटरी मेथड लिया उस यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग तो हर डिस्टेंस को कवर करने में सेम टाइम लग रहा है, राइट, और वो तभी होगा जब वी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, बट वी एक्स तो कॉन्स्टेंट है नहीं, नहीं समझे, ये तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक का टी वाई फोर, यहाँ से यहाँ तक का टी वाई फोर, ये मोटा मोटी पता है, लेकिन क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आते आते सेम सिचुएशन ऑलमोस्ट हो जाता है, बट इसका हाफ डिस्टेंस और इसका हाफ डिस्टेंस कवर करने में एक मिनट रुकिए, ये मेथड रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला मेथड प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए और इस मेथड को भूल जाइए, रुक कर इस मेथड को जीरो से मीन से एक्सट्रीम टी बाई फोर, ये डैम्सर होगा, एक्सट्रीम से मीन भी टी बाई फोर,
बट बीच का हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि मीन से बीच तक ए से हाफ ए बाई टू और ए बाई टू से फिर ए तक इट इज़ नॉट कंपल्सरी के सेम टाइम रहेगा, ये कंपल्सरी नहीं है। वजह क्या है, मीन्स एक्सट्रीम पे आपका स्पीड क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल स्पीड है, वेरिएबल स्पीड है, और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डैम श्योर जो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से है ना, यहाँ से x इक्वल टू ए वाई टू, इतना बड़ा मिस्टेक हो जाता तो ए और ए बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस का गैप है, इसमें यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा टाइम लगेगा और यहाँ से यहाँ तक कम टाइम लगेगा। वजह सर इस तरफ स्पीड कम होता चला गया है, डिस्टेंस सेम कवर करना है बट स्पीड कम। देखते नहीं कभी कभी रोड अच्छा रहता है तो 20 किलोमीटर फटाक से कवर हो जाता है बाईपास पे, और कहीं पे ऐसा जगह पहुँच गए जहाँ पे गड्ढा वगैरह है तो उसी 20 किलोमीटर कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। कुछ ऐसा ही होगा क्योंकि स्पीड कम हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक में क्या रहेगा, इस पोर्शन में ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा रहेगा बट यहाँ पे स्पीड क्या रहेगा, कम रहेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम खर्च होगा, यहाँ पे कम टाइम, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का इक्वल नहीं रहेगा, इसलिए ये मेथड यूनिट्री का काम नहीं होगा। ये मुझसे एक ब्लंडर होते होते बच गया, बट फिर से मीन से एक्सट्रीम या एक्सट्रीम से मीन का सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक टी वाई फोर, यहाँ से यहाँ तक टी वाई फोर। तो इस बात पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के इतना ही, ठीक है। ओके स्टूडेंट।